तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उमानंदा घाट, और आगे जो है ब्रह्मपुत्र रिवर है और उसी पे फेरी चलेगी जो कि 20 रुपया कॉस्ट है। ये देखो, तो अभी हम उमानंदा घाट के ठीक साइड में बैठे हुए हैं खाना खाने। हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो अभी खाएंगे, और पीछे फेरी लगी हुई है, वॉच में बैठेंगे फिर जाएंगे उमानंदा के लिए। उमानंदा जैसे कि पता है सबको कि एक टेंपल है, और यहाँ पे बैठे हैं खाने के लिए। खाना का प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, चावल ऑयल डाल के 50 रुपये, विदाउट चावल 30 रुपये में 2 रोटी सब्जी दाल ऐसे करके। ये देखो ठीक उसी के साइड में होटल है, खा के टेस्ट बताते हैं अगर आप आना तो फिर खाना। ये लग चुका हमारा खाना जिसमें दाल चावल पापड़ 2 सब्जी और ये सलाद में आपको प्याज ये नींबू मिलेगा, बस खाते हैं खा के टेस्ट बताते हैं। तो भाई साहब मैंने खाना खा लिया और खाना बहुत ही टेस्टी था। संदीप अभी भी वहीं बैठा है, उसको जाने का मन नहीं है, लेकिन मैं उसको लेके जाऊंगा, टिकट लेके आ रहा हूँ पहले, और टिकट लेने के बाद फिर वहीं से चला जाऊँगा। ये सामने है फेरी और जट्टी पॉइंट कह सकते हो, घाट कह सकते हो, जो भी कहो। पूछते हैं टिकट कहाँ पे मिलेगा। तो ये जहाज लगे हुए हैं उमानंदा जाने के लिए, ये देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर पे, और यहाँ पे हमको मिलेगा टिकट 20 रुपीज़ पर पर्सन। और ये देखिए यहाँ पे है पहाड़। अभी चलते हैं थोड़ा बैठते हैं और 1 घंटे बाद हम जाएंगे उमानंदा और टिकट लेके, तब तक आराम कर लेते हैं। तो अभी हमें टिकट मिल चुकी है, ये है टिकट, एक लोगों के लिए 20 रुपये लगेगा दोनों तरफ का, और वहाँ पे लाइन लगी हुई है टिकट के लिए, भाई लंबी लाइन लगी है। हम जा रहे हैं वापस से जहाज़ में, फिर बैठेंगे और जहाज आएगी तो फिर हम निकलेंगे उमानंदा के लिए। उमानंदा मज़ा आ जाएगा फेरी पे। अभी फिलहाल खड़े हैं और वेट कर रहे हैं जहाज का, जैसे ही आएगा हम निकलेंगे उमानंदा के लिए। अरे देखिए यसबी रंगानंदी, इसका नाम है रंगानंदी रंगानाथी। तो अभी हम आ चुके हैं अपने फेरी पे और यहाँ से जाएंगे हम उमानंदा जो कि उस साइड में है, और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं इस फेरी में। हम बाहर से मज़ा लेंगे, बाहर का यार व्यू गजब आता है, तो हम बाहर ही रहेंगे। ये देखो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, और उधर है उमानंदा टेंपल। अभी हम फाइनली फेरी पे हैं और फेरी हमारी थोड़ी देर में चलने वाली है उमानंदा टेंपल के लिए, और बाकी आप फेरी देख सकते हैं मेरे पीछे यही है, और ये है ब्रह्मपुत्र रिवर पे चलती है ये फेरी, जो कि गुवाहाटी या असम मेन सिटी में ही है। गुवाहाटी के आपको मेन सिटी में ही मिल जाएगा, थोड़ा सा साइड में आना पड़ेगा। ये जहाज़ के अंदर का आपको व्यू दिखाते हैं, जहाज के अंदर कैसा है, चलिए इसमें से। के अंदर का है इंजन कंपार्टमेंट, ये है इसका इंजन कंपार्टमेंट। तो फिलहाल हमने लाइफ जैकेट पहन लिया जो कि बहुत ज़रूरी होता है, अगर कोई ऐसा ना हो कि यहाँ से गिर जाए नीचे तो ब्रह्मपुत्र में डूबने लगे, तो उससे अच्छा लाइफ जैकेट सही है, डूबेगा नहीं तो तैरता रहेगा, तैरने का मज़ा अलग से लेगा। तो चलिए इस सफ़र का मज़ा लेते हैं, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उमानंदा ये देख सकते हैं आइलैंड जैसा है, काफ़ी बढ़िया है ये, और सही आइलैंड है ये भाई साहब। अभी चलते हैं उमानंदा और टेंपल भी एक्सप्लोर करेंगे, बाकी ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि चाइना से आती है, तानसुंग इसको कहा जाता है शायद चाइना में, तानसुंग बो। और ये देख सकते हैं ये पीछे गुवाहाटी सिटी है, और वहाँ पर हाईकोर्ट है गुवाहाटी हाईकोर्ट, और ये जो शिप है इसका नाम है MV मेघना, और अभी हम लोग लगभग पहुंचने ही वाले हैं, और यहाँ से फिर जाएंगे टेंपल के लिए, दर्शन करेंगे, दर्शन करके फिर वापस आएंगे। अभी हम पहुँच गए हैं उमानंदा आइलैंड पे, और इसी आइलैंड पे टेंपल है आगे चल के।
यहाँ से सीढ़ी जा रही है टेंपल के लिए। तो ये मेन गेट है उमानंदा टेंपल जाने के लिए और बहुत सारे लोग जा रहे हैं, भीड़ काफ़ी है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं उमानंदा टेंपल ऊपर और ज़्यादा दूर चढ़ाई नहीं था, सिर्फ 2 मिनट की चढ़ाई देखा और सामने गेट दिख रहा है उमानंदा का। दीप भाई वहाँ पे हैं, उनको मैंने बैग देखने का काम दे दिया है क्योंकि यहाँ पे सब चार्जेस वगैरह लगेंगे, उससे अच्छा वो देखें। मैं जाता हूँ फिर मैं उनका सामान लेगा, वो जाता है। फाइनली अभी आ चुके हैं, तो ये है मंदिर का प्रांगण। ये मंदिर के अंदर वीडियोस बनाना अलाउड नहीं था। और जय शंकर। और ये भी यहाँ पे मंदिर है। बाकी आप चारों तरफ से देखोगे तो ब्रह्मपुत्र नदी से ये घिरा हुआ है चारों तरफ से, एक आइलैंड जैसा ही है। तो यही था यहाँ का मंदिर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और ऐसे ही शानदार ब्लॉग के साथ, वीडियो के साथ।